हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे ये बहुत बार जैसे ब्लाउज के कटिंग जब मैं अपलोड करती हूँ तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में कहते हैं कि आर्महोल कैसे निकालते हैं, तो उसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि ये जो आर्महोल है तो चेस्ट के हिसाब से आर्महोल जो है वो कैसे निकालना है। जो सिला हुआ ब्लाउज होता है उसके ऊपर से जैसे ये आर्महोल कितना लिया है ये परफेक्ट निकलना चाहिए, तो वो कैसे निकाले, क्योंकि क्या हो जाता है पूरा ब्लाउज तो हम एकदम परफेक्ट सिल लेते हैं लेकिन आर्महोल की वजह से जैसे हमें ध्यान में नहीं आता है कि नए सिलने वालों को 5.5 ले या 6 ले या 6.5 ले, कितना चेस्ट कितना है तो उसके हिसाब से कितना लेना है ये समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो ये वीडियो मैं आपको उसी उसके ऊपर ही बना रही हूँ जो आपको पूरा समझ में आए कि जैसे कौन सा भी ब्लाउज हो, आप पूरा कौन से भी चेस्ट का ब्लाउज हो तो उसकी कटिंग आप अच्छे से कर सकते हैं और उसका आर्महोल जो है वो भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं, यानी कि परफेक्ट आर्महोल निकलाओगे। यहाँ पे थोड़ा कम होगा तो भी आपका ब्लाउज फिट हो जाएगा, जैसे ब्लाउज आएगा ही नहीं आपको और ढीला हो जाएगा तो इसकी फिनिशिंग भी खराब हो जाती है। इसीलिए परफेक्ट आर्महोल आप लोगे तो ये ब्लाउज जो है आपका दिखने में भी अच्छा दिखता है और परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आर्महोल जो है चेस्ट के हिसाब से आर्महोल जो है वो कैसे निकालना है। जैसे सिले हुए ब्लाउज जो होता है उसका भी आर्महोल कैसे नापते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। आप देखिए यहाँ पे हमारा ये सिला हुआ ब्लाउज है, तो पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। आप पूरा वीडियो देख लो ताकि आपको समझ में आए, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आर्महोल जो है वो कैसे निकालना है, क्योंकि क्या हो जाता है जैसे थोड़ा थोड़ा देखने के बाद वो पूरा समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में फिर से वही पूछते हैं। तो ये आप अच्छे से देखोगे तो ये मुझे ऐसा लगता है, मुझे आशा है कि ये वीडियो जब आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्महोल कैसे निकालते हैं और आप हर ब्लाउज का आर्महोल जो है आपको जल्दी समझ में आएगा कि कितना लेना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे पहले हम इसकी ब्लाउज की पहले बैक साइड में लंबाई नापेंगे। ये देखिए पहले हम ब्लाउज की लंबाई नापते हैं। पहले मैं इस ब्लाउज का आर्महोल जो है वो परफेक्ट निकाल के आपको बता देती हूँ, उसी तरह से आप हर ब्लाउज का आर्महोल जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा शोल्डर है, शोल्डर की सिलाई जहाँ से आती है वहाँ से आपको आर्महोल लंबाई नापनी है। ब्लाउज को हल्का सा खींच लेना है ताकि ये पूरी लंबाई जो है अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लंबाई आती है 13.5 इंच, पूरी लंबाई बैक साइड की पूरी लंबाई आती है हमारी 13.5 इंच। अभी 13.5 इंच हमारी लंबाई आई है, यहाँ पे हमने इसकी ब्लाउज की पूरी लंबाई नापी, 13.5 इंच हमारी लंबाई आती है। लंबाई 13.5 इंच 13.5 इंच आने के बाद आपको ये देखना है, ये देखिए यहाँ पे हमारी ये फिटिंग रहती है, फिटिंग जो है तो आपको अच्छे से फिटिंग को चेक करना है। यहाँ से जैसे ये आर्महोल है आपका, यह आर्महोल यहाँ पे हमारी ये सिलाई आती है और यहाँ पे हमारी ये फिटिंग, यहाँ तक जैसे क्रॉस पट्टी यहाँ तक हमारी ये फिटिंग है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें ये जो आर्महोल है यहाँ पे हमारी सिलाई आती है यहाँ थोड़ा सा आगे लेना है ताकि ये जो जॉइंट करते हैं स्लीव्स को ज्वाइन करते हैं यानी कि 1/4 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ तक आपको नापना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे के साइड में भी आपको 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है ताकि यहाँ पे ये जो सिलाई है, सिलाई जो है क्या, यहाँ पे भी हमारी सिलाई आती है और यहाँ पे भी हमारी सिलाई आती है, दोनों साइड में सिलने के लिए ब्लाउज चला जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे 8.5 इंच पकड़ते हैं, 8.5 इंच पकड़ने के बाद ये देखिए ऊपर थोड़ा सा सिलाई के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे हमारी आर्महोल की सिलाई आती है, यहाँ हमारी स्लीव ज्वाइंट हुई है, यहाँ पे हमारा हल्का सा जितना हमारा सिलाई में जाता है उतना आपको एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए यहाँ तक हमारा सिलाई आई है, यहाँ तक हम पूरा ब्लाउज का नाप आता है, यहाँ 1/4 इंच तक हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं यानी कि 8.5 इंच हमारा ये नाप निकलता है। अभी 8.5 इंच ये नाप निकलता है तो मैं आपको पेपर के ऊपर समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने ये पेपर लिया है, पेपर के ऊपर मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे लेना है। जैसे 2.5 इंच पे हमने ये गले का मार्किंग किया, 5.5 इंच 11 इंच हमारा शोल्डर है तो 5.5 इंच पे हमें एक मार्किंग करनी है।
अभी यहाँ पे हमारी पूरी लंबाई लेनी है। लंबाई है हमारी 13.5 इंच, 13.5 इंच लंबाई है तो हमें 14.5 इंच लेनी है। 14.5 इंच लेते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट करेंगे। एक्स्ट्रा जो पेपर है उसको हमें कट करना है। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये आर्मोल जो है वो किस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने पूरी ब्लाउज की लंबाई नापी थी, ब्लाउज की लंबाई आई थी हमारी 13.5 इंच। फिर से एक बार मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा ब्लाउज की लंबाई नापनी है। 13.5 इंच हमारी ब्लाउज की लंबाई आई है, इसमें हमने 1 इंच प्लस किया तो यहाँ पे हमारे 14.5 इंच आपको ये ब्लाउज की लंबाई ली। 14.5 इंच हमने ब्लाउज की लंबाई ली है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गला लिया हमने 2.5 इंच पे, शोल्डर लिया हमने 5.5 इंच पे, और यहाँ पे जैसे ये नाप मैंने आपको नाप के दिखाया था, ये देखिए ये जो नाप था हमारा, तो यहाँ पे हमारी सिलाई आती है, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया 1/4 इंच और नीचे के साइड में हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ये पूरा नाप आया हमारा 8.5 इंच। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो 8.5 इंच पे आपको एक मार्किंग करनी है, नीचे के साइड से आपको ऊपर 8.5 इंच पे आपको एक मार्किंग करनी है। ये देखिए मैं इसको आपको 8.5 इंच पे एक मार्किंग करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा ये 8.5 इंच मार्किंग आया है। यहाँ पे ये जो साइड की सिलाई जो है ये हमें इस तरह से पकड़नी है और इसे इस तरह से रखनी है। 1/4 इंच जो है यहाँ पे हमारी सिलाई आती है और यहाँ पे हमारी सिलाई आती है। 1/4 इंच नीचे के साइड में छोड़ देना है और 1/4 इंच ऊपर के साइड में छोड़ देना है, क्योंकि ये सिलाई में चला जाएगा, ये पूरा परफेक्ट आता है। उसके बाद ये 8.5 इंच जो पोर्शन हमारा आया है, ये जो पोर्शन नापा हमने, ये पोर्शन नापा तो ये हमने 8.5 इंच आया है। अभी 8.5 इंच आया है तो ये 8.5 इंच पे हमें नीचे के साइड से हम 8.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 8.5 इंच पे मार्किंग किया। उसके बाद जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने 5.5 इंच लिया है, ये देखिए, तो यहाँ से भी हमें 5.5 इंच लेना है, 5.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अभी ये जो मार्किंग है ऊपर के साइड से आपको नापना है, ये आया हमारा 1/4 इंच। हमारा आर्मोल कितना निकला, 1/4 इंच, तो 1/4 इंच पे आपको ये यहाँ पे 1/4 इंच पे एक मार्किंग करनी है। बहुत सिंपल तरीका है आर्मोल निकालने का। बहुत सारे लोगों को ये आर्मोल का बहुत प्रॉब्लम आता है, जैसे कटिंग करते वक्त समझ में नहीं आता है कि आपको आर्मोल कितना लेना है। सब में जैसे कटिंग कर सकते हैं लेकिन आर्मोल के बारे में समझ में नहीं आता है। बहुत सिंपल तरीके से जैसे पूरे एक बार फिर से मैं आपको वापस समझाती हूँ। यहाँ पे पूरी हमें ब्लाउज की लंबाई नापनी है, लंबाई में हमें 1 इंच प्लस करना है। 13.5 इंच ब्लाउज की लंबाई आई तो हमने 14.5 इंच ली है। ये देखिए यहाँ पे हमने 14.5 इंच ली है। 14.5 इंच लंबाई लेने के बाद जैसे हम गला लेते हैं, गला लेना है, उसके बाद शोल्डर जितना है उसका हाफ आपको लेना है, और जितना हमारा साइड की जो फिटिंग होती है साइड की फिटिंग को नापना है। ये जो साइड की फिटिंग है वो नापनी है। 1/4 इंच आपको ऊपर के साइड में पकड़ना है और 1/4 इंच आपको नीचे के साइड में, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलाई में चला जाता है, जो स्लीव ज्वाइंट होती है यहाँ पे सिलाई में चला जाता है, और यहाँ पे हम जो क्रॉस पट्टी सिलते हैं या नीचे बैक साइड में भी पट्टी लगाते हैं, यहाँ पे भी हमारा 1/4 इंच चला जाता है सिलने में। तो ये दोनों 1/4 इंच यानी कि 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, और जितना हमारा ये नाप आता है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना है, और ये हमारा 8.5 इंच आया। तो 8.5 इंच हमें नीचे के साइड से आपको 8.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ये 8.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें ऊपर से इसको नापना है। ये आता है हमारा 1/4 इंच, 6 1/4 इंच हमारा ये आर्मोल आता है। उसके बाद आपको आपकी आर्मोल की जो गोलाई है वो देनी है, जैसे 2 इंच 1 इंच जो भी आपकी आर्मोल की गोलाई होगी वो आपको देनी है। तो आप इस तरीके से ये आर्मोल जो है वो निकालना है। ये देखिए इस तरीके से हमें आर्मोल की गोलाई जो है वो दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये ब्लाउज आपको, हर ब्लाउज जैसे हर ब्लाउज का आर्मोल जो है वो आपको निकालना चाहते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो नए नए सिलने वाले होते हैं उनको समझ में नहीं आता कितना लेना है कैसे लेना है, तो ये बहुत सिंपल तरीका है। इसमें आप चेक कर सकते हैं जैसे ब्लाउज का आर्मोल कितना है, कैसे कितना लेना चाहिए, तो आप इस तरीके से भी पुराने ब्लाउज के ऊपर नाप लेके आप अपना आर्मोल जो है वो निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। आपको पहले मैंने बताया जैसे पूरी लंबाई नापनी है, नापने के बाद इसमें 1 इंच प्लस करना है, जितना ये साइड पोर्शन आता है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस
प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमें नीचे से आपको ये नाप लेना है, यहाँ तक मार्किंग करना है और ऊपर से नाप के आपको आर्म होल जो है ऊपर का जो पोर्शन रहता है वो हमारा आर्म होल रहता है। और ये जो है वो चेस्ट के हिसाब से, कमर के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि गोलाई कैसे देनी है। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ब्लाउज़ का आर्म होल जो है वो कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बना के आपको समझाऊंगी कि कैसे करना है। मुझे आशा है बहुत सिंपल तरीका मैंने यूज़ किया है आपको समझाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा।